मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, दर्शन करा दे तू भक्तों को जरा। ओ आजा आजा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, दर्शन करा दे तू भक्तों को जरा। ओ आजा आजा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, दर्शन देके तूने भक्तों को किया बावरा। दर्शन देकर तूने भक्तों को किया बावरा। तेरे का है को बोलो ऐ मुकरा छिपालिया, तेरे का है को बोलो ऐ मुकरा छिपालिया, मुकरा दिखा दे ओ मेरे चलिया। ओ जा जा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, जरा दे तू भक्तों को जरा। ओ जा जा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, तेरे जैसा गुरुवर मैंने ना कहीं पाया है, तेरे जैसा गुरुवर मैंने ना कहीं पाया है, तेरे जैसा किसी को नहीं पाया है, तो मारा है मेरे चलिया। ओ आजा जा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, दर्शन करा दे तू भक्तों को जरा। ओ जा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, भक्त दर्शन करा दे तू भक्तों को जरा। ओ जा मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, आया 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 मैं तेरे लिए आ गया, आया आया मैं तेरे लिए आ गया। तूने मुझे प्यार से बुलाया तो मैं आ गया, तूने मुझे प्यार से बुलाया तो मैं आ। अब तो तू मेरा मैं तेरा हो गया। ओ आजा जा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, दर्शन करा दे तू भक्तों को जाना। ओ आजा जा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, दर्शन करा दे तू भक्तों को जाना। ओ आजा जा सांवरे, मेरे गुरुवर प्यारे सांवरे, जय सतगुरु। हमें सत्कर्म करने की कला सिखलाते हैं गुरुवर, कर्म का त्याग करना उनको भाता नहीं है भाई, कर्म खुद करके भी आदर्श दिखलाते हमें गुरुवर।
कठिन से भी कठिन वो काम कर लेते हैं पल भर में। कष्ट आ जाए जो उन पर तो वो हंस हंस कर झेल लेते हैं। सदा हर हाल में हंसना हमें सिखलाते हैं गुरुवर। नम्रता प्रेम करुणा और दीनता सिखलाते हैं गुरुवर। गृहस्थ में रहना मर्यादा से सिखलाते हैं गुरुवर। आज गृहस्थ में रहना मर्यादा से सिखलाते हैं गुरुवर। ज्ञान गीता का ढाला है स्वयं जीवन में गुरुवर ने, वही सब ज्ञान गीता का हमें सिखलाते गुरुवर। हुआ न है नहीं होगा जहां में मेरे गुरुवर सा, सभी आदर्श प्रस्तुत कर हमें दिखलाते हैं गुरुवर। तुम्हारे दर्श को गुरुवर तुम्हारे द्वार आए हैं, सदा देते रहो दर्शन तमन्ना लेके आए। जरा आकर विराजो तुम प्रभु अपने सिंहासन पर, छवि अपनी दिखा दो तुम छवि को देखने आए। प्रभु अपनी कृपा कर दो, ज्ञान अपना हमें दे दो, तुम्हारे ज्ञान सागर से ही सागर लेने आए। कभी देने से घटता नहीं जल है सागर का, तभी हम मांगने सागर से सागर आ जाए। संभालो हमको सागर में, बना लो हमको सागर तुम, तुम्ही में ही समाने को ही तो प्रभु आ जाए। बहुत प्यासे थके हैं हम जहां की आपदाओं से, बुझा दो प्यास दे दो चैन तुमसे लेने आए। शरण आए तुम्हारी हमें अपनी शरण ले लो, कृपालु दयालु हो दया को लेने आए। हम लोग सब दया भी मांगते हैं भगवान से, हम पे कृपा कर दो, हमें सब कुछ दे दो, हर चीज मांगते हैं हम लोग भगवान से, लेकिन जो भगवान कहते हैं वो हम नहीं करते। जो वो कहते हैं बोले दूसरा देखना बंद करो, दूसरे में मैं ही हूं, इस तरह से बोले वाणी सुधारो, अपनी आंख सुधारो, संभालो, ये कहते हैं। तो जब तक नहीं, और हम लोग एकदम से संभाल में नहीं पाते हैं, ये भी पक्की बात है। गुरु जी के विचार को मानते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, क्योंकि यही सीखा है जाना संसार में, ये कि सत्कर्म करो, त्याग वैराग करो, ये करो वो करो, लेकिन हम ये बात नहीं छोड़ पाते कि हम आत्मा है तो सामने कौन है, दूसरी आत्मा परमात्मा, ये बात हमने भूल जाते हैं। और इसी बात में कहते नहीं, बहुत जीवन लग जाता है, जीवन पूरा जीवन लग जाता है, दूसरा देखने की आदत जो है ना खत्म नहीं होती। तो अंदर में ही हमारे पड़ा रहता है, बाहर नहीं, बाहर हम अच्छे से सब कर्म करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये अंदर हमारे दूसरा देखने की आदत। कल ऐसी बात हो रही थी तो बोल रही थी कि दीदी है, पता चला कि दूसरा तब अपना ही है, लेकिन ये इतना शब्द बोलने के लिए क्या हुआ कि कितने साल लग गए, कितने साल, कि हमारी सोच का ही हमें सामने दिखता है, अपनी सोच हमें ठीक करनी है। सोच ठीक नहीं हो रही है तो क्या करना है, तो गुरु के विचार से अपने को साधना पड़ता है, और जब साधते हैं गुरु के विचार से तो गुरु जी अपने आप ही क्या करते हैं, विचार गुरु यहाँ पे देते हैं। बढ़िया, ये बहुत जरूरी है, बोले अन्यथा हमको कभी भी वो अंदर की चीज जो चाहिए, बोले अंदर का जिसके लिए हम सब तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्यासे हैं, जो सच बताए प्यासे भी हैं, वो प्यास बुझती नहीं है, क्योंकि प्यास बाहर से बुझाने में लगे हैं और बुझी नहीं पाती है। लेकिन जैसे जैसे गुरु के विचार से अंदर में गुरु से मिलते हैं, वैसे अपने गुरु से मिलने का अर्थ क्या है, गुरु से मिलने का अर्थ ही है कि उनके विचार को अपनाते जीवन में चलना, अपनी तरफ जरूर झांकें, अपनी तरफ झांकना, मन जैसा हमारा है
वैसा ही तो सामने वाले का है, बल्कि हमसे बहुत अच्छा है, तो अपने आप में शर्म आती है, और नहीं तो कभी शर्म नहीं आती है, हम हमेशा अहंकार में ही रहते हैं। अहंकार अच्छा नहीं होता है, अहंकार से ही भगवान को परहेज है, अहंकार से ही बचना है और कुछ करना ही नहीं है। अहंकार से बचने के लिए क्या करना है, जीवन में मर्यादा करनी पड़ेगी, मर्यादा से चल। तो जितना मर्यादा से हम चलते हैं उतना उतना हमको गुरु का कहते नहीं है, गुरु की नजर मिलती, नजर जब मिलती है तो नजर से ही ये कहते खुल जा सिम सिम, अंदर के पट खुलते नजर से ही, हमारी किसी भी करनी से नहीं खुलते, ये पक्की बात बता रहे, क्योंकि हम कर कर के मर जाते हैं और कहते बहुत बहुत ज्यादा जैसे अंदर में वो होता है कि अरे यार कोई रीझता ही नहीं, कोई नहीं रीझता, तो ये क्या है, क्योंकि हम अपनी माया में ही रह के कर्म करने में लगे रहते हैं, इसीलिए कोई रीझता नहीं, और अच्छे कर्म करने की दुआई देते रहते हैं, अरे नहीं पक्का ऐसी है, पक्का ऐसा ही हो, पक्का ऐसे, ये सब धारणा है मेरे अंदर दृढ़ और करते जाते हैं। धारणाओं को कहते नहीं है, जैसे नींव उसकी कमजोर नहीं करते हैं, बल्कि धारणाओं को और पक्का कर लेते हैं, नींव और पक्की कर लेते हैं मैं की, तो मैं की नींव पक्की करने से तो कुछ नहीं हासिल होने वाला, मैं की नींव चरमराती है स्थिति परिस्थिति के द्वारा, कोई भी स्थिति आ जाती है जहां हमारी मैं की नींव को हिलाया जाता है, हिलने दो, उसमें हम अपनी मैं को पक्का ना करें, तो बोले जब पक्का नहीं करते हैं गुरु को पक्का करें, गुरु के विचार को पक्का करें, जब विचार को पक्का करोगे, गुरु का विचार क्या है, गुरु ने तो कहा है तुम आत्मा हो तो सामने कौन है, परमात्मा, तो क्या करो, अपना मन जानती हो तो दूसरे के मन को भी जरूर से जानती हो, जब अपने ही मन नहीं जानते तो दूसरे के मन क्या जानेंगे, अपना मन अभी जानते ही कहाँ है, यही इसमें ही तो इतने साल लगे, बोले हमें बड़ी किलस चढ़ती है सामने आ जाते हैं, तो किलस चढ़ती है तो क्यों किलस चढ़ती है, क्योंकि मैं ही तो है, क्यों उसमें भगवान कहाँ देख रहे हैं, एक फांस तो लगाई पड़ी हुई अपने जीवन में मैं की, बोले सबसे बड़ा अच्छा, लेकिन एक से जो है ना बड़ी चिड़ होती है, बड़ी किलस होती है, बड़ी तकलीफ होती है, तो बोले वो भी तो फांस अपनी ही है, सुई अपनी है, निकालनी पड़ेगी हमको तुमको, और कहीं सबसे अगर है तो बोले बहुत ही माया का बढ़िया सागर ही तो है, और है क्या, तो उसका तो कर्म करने में हम आजाद हैं, फल भोगने में हम लाचार हैं, पक्की बात बता दें, तो कर्म करते समय हमेशा सजग रहना चाहिए, जितना सजग रहेंगे उतना भगवान की गुरु की नजर के लायक बने, सामने जाने के लिए क्या करना पड़ता है, बोले भी किसी राजा से मिलने जाना है तो कोई बीच वाला जो होता है वो हम लोग को कहता है चल हम मिला देंगे, हम फलाने से आपको बहुत बड़ा अधिकारी मिला देंगे, राजा है मिला देंगे, तो बोले ऐसे जाना पड़ता है, कुछ 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 कपड़ा ठीक कर लेते हैं, कुछ कहते हैं देखो फलानी जगह जाके ऐसे पैर छूना, ऐसे करना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, वो जो बीच वाला है वो बताता जाता है, तो बोले सतगुरु मिला दलाल, हम लोगों को जीवन में सतगुरु मिलता है, वही तो ये बीच वाला है जो हमें, हमारे अंदर में ही परमात्मा है, हमारा अंतर जो मैं सच्चा मैं है वही हमारा सच्चा गुरूर है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु कहा जाता है, वो सच्चा वही है, लेकिन वो कच्चे में लग के सच्चे मान के बैठे हैं, वो भूल है हमारी तुम्हारी, कि हम कच्चे मायको में टिक के कहते हैं आम ब्रह्मास्मि, वो बहुत घातक है, तो उस घातक सोच को अपनी जरूर हमको हर जीवन के हर इस घटनाक्रम में क्या करना चाहिए, निर्मूल करना चाहिए उसको, उसकी थोड़ा सा त्यागना चाहिए सोच को,
जैसे जैसे सोचते आगे गएंगे, सोचते आगे नहीं का सबसे बढ़िया है पहले वाणी रोकनी पड़ती है, फिर हाथ पांव रोकने पड़ते हैं, आंख रोकनी पड़ती है, कान से भी सुनने वाली बात फालतू की अच्छी ना लगे, तो ये सब अपने इंद्रियों को रोकना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बोले बिना रोके हम वो, अरे छोटी सी पढ़ाई पढ़ो, उसमें भी कितना पैसा खर्च होता है, तन धन मन सब खर्च होता है, तब कहीं जाके उस छोटी पढ़ाई का हमको फायदा मिलता है और हम बढ़िया जॉब करने लगते हैं, बढ़िया वो करने लगते हैं जो हमारे जीवन में फायदेमंद होता है। लेकिन उसके लिए कितनी हमने तन मन धन अपना लगाया होगा, तब छोटी सी विद्या हासिल करी, और ये तो ब्रह्म विद्या है, सारी विद्याओं की शिरोमणि कहलाती है, सबसे बड़ी ब्रह्म विद्या, ये भी विद्या है, तो इसको भी हासिल करना है। जैसे MBA इंजीनियर, ऐसे ब्रह्म ही सब जगह है, ब्रह्म ही मैं हूँ, ब्रह्म का ही मैं अंश हूँ, और ब्रह्म मैं हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब उस ब्रह्म से होता है, वही तो सब करता है, फिर तो अहंकार रहता ही नहीं है, मैं नहीं रहता। लेकिन एकदम से कहो आज आए हैं, आज ही हो जाए, ऐसा नहीं होता, सालों लग जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सही होगी तो सही दिशा में जा रहे होंगे तो सही है, दिशा ही उल्टी कर रखी है मैं की और कहे हम चले जाएंगे भगवान के कृपा के साये में पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला, होने ही वाला नहीं, ये निश्चित बताना। जागे हम कब, वो एक अलग बार, जागना है, जाग कई देर सत्संग का है, जागृति के लिए तो है, हम लोग जागते हैं फिर सो जाते हैं, फिर जागते हैं फिर सो जाते हैं, दो टाइम सत्संग करने के बाद भी जागे नहीं, और दूसरों को जगाने की बात करते हैं, दूसरों की बात करते हैं, फलाना नहीं जाएगा, फलाना नहीं जाएगा, फलाने को ये कितनी जल्दी सारे प्रवचन जो है ना हम लोग देख देते हैं बढ़िया वाले, हाँ प्रवचन तो बोले पहले जागो तो सही। ये महसूस तो किया कुछ ना मैंने, शर्मसार हूं मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूं, जो तूने रहमतें करी हैं उसके लायक ना हूं नहीं, मन अपने को लायक मानता। हमें अच्छी तरह से याद है कि जब हम गुरु जी के पास पहले पहले गए, शुरू में ही चाची के वहां सत्संग हो रहा था, गुरु जी ने कहा भजन सुनो, तो हमने तो भजन सुनाया, क्या सुनाया, काना आन पड़ी तेरे द्वार, उसमें स्टंजा है, तू जिससे चाहे वैसी मैं नहीं मैं, हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं, हमने तो कहा तू जिससे चाहे वैसी हूँ मैं, हाँ तेरी राधा जैसी मैं, और आंख बंद करके सुना रहे होंगे गुरु जी इशारे कर रहे होंगे, देखो क्या बोल रही है मम्मी, लोगों को जिसको भक्तों को इशारा करके गुरु जी ने बोला होगा, उस समय इतना था अहंकार के, हाँ तेरे जैसे ही है, तेरी जो जिसे तू चाहता बस ही हूं मैं, लेकिन धीरे 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 स्थिति ये हो गई, शर्मसार हूं मैं, तेरी रहमतों का कर्जदार हूं मैं, इतनी रहमत गुरु जी ने हर समय हर वक्त जीवन ही रहमतों से भरा है, किसी काबिलियत से नहीं, किसी कर्म से नहीं, क्योंकि कर्म तो पता नहीं कैसे थे, कुछ नहीं होना चाहिए था पास में, लेकिन सच्चाई है कि उनकी रहमतों से ऐसे है कि हाथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, तो कैसे देता है पता भी नहीं चलता, ऐसा होता है। बोले हमें नहीं मालूम, लगी आग लंका में हलचल मचा था, घर फिर विभीषण का कैसे बचाता, सेम यही स्थिति, तो ये सब उनकी रहमत ही तो है, गुरु की दया ही तो है, उसकी कृपा ही तो है, तो कहां से, बोले सर अब जो झुक गया है आता नहीं, ये अंदर की गति हो जाती है, बाहर बहुत कुछ हो रहा है, बाहर से कोई दिक्कत नहीं, ये अंदर में तो ये गति है, तो और पहले क्या था, बाहर झुकाव होता था,
बाहर नाटक होता था लेकिन अंदर में ऐठ होती थी। देखो दशा बदल गई, पहले अंदर मैं की ऐठ रहती थी और बाहर बहुत ऐसा होता था, लेकिन अभी उल्टा, अभी अंदर शर्मसार, अंदर दीनता, लेकिन बाहर बहुत कुछ हो सकता है। बाहर तो खेलों में पता नहीं क्या हो जाए, ये अंदर कोई गंदगी नहीं। ये फर्क हुआ इतने सालों में अभ्यास करने से, लेकिन सही अभ्यास गुरु के विचार से। और हम अगर अभ्यास ही गलत कर रहे हैं, बोले रास्ते ही हम गलत चल रहे हैं, तो कहाँ जाए होगा, पहुंचना कहाँ होगा। ताल के राल में तो जाने की कोशिश हम लोग करते हैं, अगर हम दिशा ही गलत चल रहे हैं, नाम रूप नाम रूप नाम रूप, जबकि गुरु जी ने पहला ज्ञान दिया नाम रूप नाश करो ब्रह्म का प्रकाश करके जीवन में, ये पहला ज्ञान है गुरु जी का। तू आत्मा है, तू ये देह नहीं, तू इसमें रहने वाला है, ये पहला ज्ञान है गुरु जी। तो बोले अमल भी तो ये यही डिजिट तो लगानी पड़ेगी हर समय, डिजिट मैं की लगा के फिर तू लग जाता है, तो फिर तो बोले खेल चाहे जितना बढ़िया खेल लो, कहीं ना कहीं जाके गच्चा मिलने वाला है। बोले गुरु जो है हमें इन गच्चों से ही बचाने के लिए प्रयासरत रहता है हमेशा, लेकिन हम नहीं समझते हैं तो फिर क्या करें। बच्चा जैसे नहीं माने तो क्या करें माँ बाप, बड़ा भी बच्चा छोटा था तो बोले कैसे जबरदस्ती अपने काबू में करके उसको नहला देते हैं। हम लोग नहला देते थे ना, खिला भी देते थे, ठूस के खिला देंगे, बड़ा हो जाए तो खिला के नहीं, खिला भी नहीं सकते ना, ताकत है इतनी कि दबोच ले, दबोच के जो है ना उसके भुट्टी पिला दें उसे कोई चीज, या मालिश कर दें उसके, या कुछ कर दें, कुछ नहीं था, ये तो बड़ा हो चुका। ऐसे ही है कि हम लोग फिर जो है ना गुरु सत्संग के द्वारा बताते हैं, सत्संग और अपने माध्यम से बहुत गुरु हम लोगों को जगाते रहते हैं, हम जागे ही ना, सोने का ही नाटक करे ना, तो वही है ना, फिर भगवान जाने वाली बात हो, तो जागना बहुत जरूरी। उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तो कर ले, जीवन है चार दिन का, हरि का भजन कर ले, उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तो कर ले, जीवन है चार दिन का, हरि का भजन कर ले, आया थन के तू क्या, जाए गले के तू क्या, जाए गले के तू क्या, चुक जाएगा यहीं पर तेरे कर्म का लेखा, चुक जाएगा यहीं पर तेरे कर्म का लेखा, इस जग असार में बस गुरु नाम ही पसारा, जीवन चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तू कर ले, जीवन चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, माया है आनी जानी, टिकती नहीं कहीं पर, माया है आनी जानी, टिकती नहीं कहीं पर, माया में तू है भूला, गुरु नाम प्यारा प्यारा, माया में तू है भूला, गुरु नाम प्यारा, गुरु जतन है मुक्ति का, जीवन सफल तो कर ले, जीवन है चार दिन का,
हरि का भजन तू कर ले, गुरु जतन है मुक्ति का, जीवन सफल तू कर ले, जीवन चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तू कर ले, जीवन चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, गुरु की कृपा जो पाए, गोविंद घर में आए, गुरु की कृपा जो पाए, गोविंद घर में आए, गफलत में तू है प्यारे, क्यों गहरी नींद सोया, गफलत में तू है प्यारे, क्यों गहरी नींद सोया, कर होश तू सफर का, सामान साथ ले ले, जीवन चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, कर होश तू सफर का, सामान साथ ले ले, जीवन चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तू कर ले, जीवन न चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, जीवन न चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, उठ जाग जाग बंदे, गुरु को नमन तू कर ले, जीवन चार दिन का, हरि का भजन तू कर ले, गुरु को नमन करने का मतलब ये है कि अपने मन के विरुद्ध अपनी इंद्रियों को चलाना, गुरु के अनुसार अपने को चलाना, यही है बोले। और इसमें टाइम लगता है, इसीलिए भगवान ने इतनी सांसें कोटे में हम लोगों को देके भेजा है। इन सांसों के रहते, इन श्वासों के चलते हम वो एक काम कर ले, और अगर हम नहीं कर पाते हैं तो बोले कोई बात नहीं, नेक्स्ट में श्रीमान के घर जन्म होगा, ये भी गीता में कहा गया, लेकिन मेहनत तो है ना। फिर से बोले और सामने का कष्ट दिखाई देता है, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमें उसके बाद का कष्ट नहीं समझ, तो हम जागे ही तो नहीं है, हम अंधे ही तो हैं, आंख है हमारे पास लेकिन अंधे हैं, क्यों हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं कितना हम लोग को जीवन में हर समय देखने में आया, कैसे रगड़ रगड़ के मृत्यु होती है, कितनी मुश्किल होती है, कैसी हाय हाय होती है, कोई पानी पूछने वाला होता है, जो लैट्रिन साफ करने वाले होते पहले आती थी ना मेजरानी, उसके हाथ से पानी पीना पड़ता है, जिनसे जीवन भर के लिए छूत करी, ये छुआ छुआ ये सब वालों के अनुभव में है। तो उसके बाद भी जागे हम कहाँ हैं, इन्हें हमारे साथ तो ना कुछ ऐसा होने वाला, हम तो जो चाहे सो करने के लिए स्वतंत्र होकर आए हैं, और इसमें टाइम लगता है क्योंकि मन एकदम से मानता नहीं है, इतना लड़ती छोटी बात पे आए दीदी आप ऐसे कर, आए आपने नहीं, आप ही के अंदर, पहले तो हम पे विश्वास नहीं, फिर दूसरे पे विश्वास नहीं, उसने ऐसा किया है आप समझती नहीं, आपको दिखाई नहीं देता ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये है वो, कितनी बातें कितना हो सब में, क्या क्या समय लगता था। शुद्धता क्योंकि सत्संग कर रहे हैं इसलिए गुरु जी हाथ में लिए हैं,
रहने नहीं देते, दुखी नहीं होने देते, कष्ट में नहीं आने देते, ये सब उनका कमाल। तो भगवान की राह पे जितना हम लोगों ने जो कुछ भी खर्च किया, ये 1.5 घंटा जबरदस्ती हम बैठते हैं, हमारा मन भी नहीं होता है, कभी कभी बच्चों को जबरदस्ती बैठा दिया जाता, नहीं बैठो सत्संग करो, आके बेचारे खोल नहीं पाते, आके आ जाते हैं भजन सुनाने, पर्दे पे आ जाते हैं भजन सुनाने। बोले वो भी सार्थक है, वो भी कुछ घड़िया ईश्वर के लिए खर्च हुई ना, तो इसीलिए वो हमारा हम सफर बन के रहता है, हमारे साथ हमराही बना रहता है, हमारा हमदर्द बना रहता है, क्योंकि हम ये जो सत्संग में बैठते हैं इसमें भी वो हमें बड़ा पालता है, लेकिन उसमें भी हम क्या क्या करते रहते हैं तो उसको मालूम होता है कि ये ऐसा ही है, अभी जानती नहीं, इससे धीरे 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 आती रहेगी तो काम बनेगा ही बने, आते रहे हम लोग तो काम बनेगा ही बनेगा, जागृति होगी होगी, लेकिन जागृति के समय हम सो जाएं और फिर आगे पीछे जागे, ये होता रहता है पहले, अभी तो घटनाक्रम घटे उसी समय जागने की जरूरत है, जब विपरीतता हो रही है तभी जागो, तभी जो है ना नाम रूप से अपने आप को हटाओ, स्वयं अपने नाम रूप से हटो तभी सामने वाले नाम रूप से हटो दे, और खेल परमात्मा से हो रहा है, ना मुझसे हो रहा है ना तुमसे हो रहा है, इतना ध्यान रखो, कभी फलानी से नहीं हो रहा है, ढिमकाने से नहीं हो रहा, खेल तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा खेला जा रहा है, जब इसमें रहोगे तो आराम में रहोगे, और ये अभ्यास कितना करना है, अभी तो सिर्फ कहते नहीं है, अब ये राह सही मिली है, आज बुद्धि ने सही सोच की तरफ चलना शुरू किया, लेकिन अभी को हम परफेक्ट हो गए, हम चलने लगे ना जीवन पर्यंत का काम, बुद्धि जो है ना हारेगी बहुत जगह, नहीं वो तो ऐसे ही कर रहा है, वो तो ऐसे ही कर रही है, अपनी बुद्धि को पीछे करके गुरु के विचार को आगे करके अपने इसी अभ्यास को बढ़ाओ तो देखो क्या होगा, फिर देखना क्या होगा, कैसे वो अपनी रहमतें बरसाता है, बरसे कहते नहीं कितना सुंदर रस बरसा के देख ले, क्या रस है हरि गुण गाने में, एक मैं के गुण गाने में क्या रस है और एक हरि गुण गाने में क्या रस है, खुद ही अपने आप डिफरेंस खुद कर लो ना, फर्क को महसूस खुद करो कि उसमें कितना आनंद आता है, और कैसी रहमत मिलती है, चारों तरफ प्रभु पसरा रहता है हमारे तुम्हारे लिए, मैं बाहें फैलाए रहता है, छोटी छोटी गुरु जी की बातें याद आती है, और गुरु जी बोले एक बार आए थे दुकान पे तो क्या कि मैं लेट जाऊं तुम चढ़ के मेरे ऊपर कपड़ा बेचो, ऐसा सोच के देखो, एक बार स्टेशन पे गुरु जी खड़े हुए थे इंतजार कर रहे थे, हम घर से आए जा रहे थे लखनऊ, तो हम प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों से हम उतर रहे थे, वो वहीं पे खड़े हुए थे देख रहे थे, कहते हैं लोगों से बोले हम लोग थे दो तीन लोग, कहते हैं हमने पलके बिछाई तुम्हारे लिए तब तुम लोग आए थे, अब सोच के देखो हम लोग कितना अहंकार करते हैं, और वो कैसे कैसे शब्द हम लोगों के लिए इस्तेमाल करता है कि जरा सा हमारा चित्त लगा तो उसने हमको कैसे, और हम उसी में अभिमान में आके सबको ही दूसने लग जाते, हम बड़े प्रेमी हो गए, हम बड़े गुरु जी के हो, बहुत गंदा व्यवहार करने लगते, इतना गंदा जो हमारी ही कीर्ति को अपकीर्ति में बदल देता है, हमारी कहते नहीं हमारी कीर्ति हो रही है बड़े अच्छे, लेकिन उसी समय हमारी कीर्ति को अपकीर्ति में, क्योंकि हमसे गलत बोल निकल जाती है, गलत हाथ उठ जाता है, गलत वो हो जाता है, सब गलत हो जाता है अहंकार के कारण। तो बोले सबसे पहले तो जुबान रोकनी पड़ती है,
अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, बोले ऐसे ही हो जाएगा बिना अभ्यास के। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, जड़ में जो मती है ना वो जान में जाके टिकती है अभ्यास से। जान आत्मा रसरी आवत जाते सल पर पड़े निशान, रस्सी ऐसे ऐसे करती है लोहे पे भी निशान पैदा कर देती है, पड़ जाता है। ऐसे ही है अभ्यास से जो है ना हमारी तुम्हारी जड़मती चैतन्य में सच में टिकेंगे। बोले अभ्यास तो करना है, जड़मती में क्रियाएं तो बहुत होंगी, अब उसमें अभ्यास क्या करना है। यही तो है, इंद्रियों को संभालना ही तो हमारे हक में है, अधिकार में, इसके अलावा हमारे अधिकार में क्या है। बोले जैसी सोच होती है वैसे विचार जैसे होते हैं वैसे मुंह से निकल जाती है। अपनी तरफ नजर नहीं है इसलिए ये नहीं सोच पाते हैं कि हमने बोला क्या, हमने किया है क्या, सोचा तो सोच से ही तो बोल है। सोच मेरी स्वयं की इतनी गंदी अगर है तो फिर भगवान के हम बहुत कृपा पाना चाहते, हम तो भगवान देख रहे हैं चारों तरफ, गाफिल हैं। और शर्म आनी चाहिए हम लोगों को अपने, शर्म तभी आएगी जब हम जो है ना अपने आप को मन का दर्शन खुद करें, क्योंकि वो मन हम है नहीं, वो विचार हमारे नहीं मन के, हमारी बुद्धि मन जो है हमारा जो लगा पड़ा है अपनी सोच में कि मैं फलानी, उसमें है ये विचार। तो मैं जब हटती है तू आता है तो उसके विचार भी शुरू हो जाते हैं दिमाग में आने, तो पहले तू ही तू, तू ही तू, तो करो सतगुरु 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 क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु 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 क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु 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 क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु 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 सतगुरु। वेद तू शास्त्र तू सारी गाथा है तू, वेद तू शास्त्र तू सारी गाथा है तू, गुप्त होकर प्रगट नित्य रहता है तू, गुप्त होकर प्रगट नित्य रहता है तू, सतगुरु 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 क्या। राग थोड़ी बदल गई है, राग ठीक करिए तो मजा आएगा गाने में। सतगुरु 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 सतगुरु, वेद तू शास्त्र तू सारी गाथा है तू, वेद तू शास्त्र तू सारी गाथा है तू, गुप्त रह कर रहता है तू, गुप्त रहकर प्रगट नित्य रहता है तू, सतगुरु 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 जानता अपनी इलाहे तू, आज हम गा रहे को अपनी
सतगुरु 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 अक्षरों में जो देखा तो ओम है तू, अक्षरों में जो देखा तो ओम है तू, तुझको मंत्रों में देखा तो ओम है तू, तुझको मंत्रों में देखा तो ओम है तू, सतगुरु 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 सतगुरु, क्या बताएं कि क्या क्या है तू, सतगुरु क्या बताएं कि क्या क्या है तू, सतगुरु 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 सतगुरु, बाग के सारे फूलों में खुशबू है तू, बाग के सारे फूलों में खुशबू है तू, मन की माला में देखा सो मेरू है तू, मन की माला में देखा सो मेरू है तू, सतगुरु 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 सतगुरु, क्या बताएंगे क्या क्या है तू, सतगुरु क्या बताएंगे क्या क्या है तू, सतगुरु 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 सतगुरु, पीका हो के बोला पपिया है तू, पीका हो के बोला पपिया में तू, कुकू हो के पुकारा कोयलिया में तू, कुकू हो के पुकारा कोयलिया में तू, सतगुरु 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 सतगुरु, सतगुरु क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु क्या क्या है तू, सतगुरु 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 सतगुरु, सारी संपत्तियों का स्वयं राजा तू, सारी संपत्तियों का स्वयं राजा तू, अपने भक्तों की रखता स्वयं लाज तू, अपने भक्तों की रखता स्वयं लाज तू, सतगुरु 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 सतगुरु, सतगुरु क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु 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 सतगुरु, लेख में भी है तू लेखनी में भी तू, लेख में भी है तू लेखनी में भी तू, काल स्वर में भी तू और ध्वनि में भी तू, काल स्वर में भी तू और ध्वनि में भी तू, सतगुरु 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 सतगुरु, सतगुरु क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु सतगुरु
नयन जब है तू अपने बातों को देखता, नयन जब है तू चित में जब जगाता है चैतन्य, तू चित में जब जगाता है चैतन्य, तू सतगुरु 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 सतगुरु, क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु 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 सतगुरु, बोले पढ़ते हैं लब ये कि क्या क्या है तू, बोले पढ़ते हैं लब ये कि क्या क्या है तू, तू वहाँ पर है रहता जहाँ मैं ना, तू तू वहाँ पर है रहता जहाँ मैं ना, तू सतगुरु 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 सतगुरु, क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु क्या बताए कि क्या क्या है तू, सतगुरु 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 सतगुरु। खांसी आती जा रही है लेकिन बड़ा मजा आ रहा है अंदर में गाने में। तो बोले कहाँ देख रहा है कि खांसी आ रही है तो ना गाए। पहले संसार में क्या होता था, हमारा गला खराब है इसलिए हमसे गाया नहीं जाएगा। आज गला खराब है इसलिए गा नहीं सकते। लेकिन अभी क्या है कि गला खराब है, खांसी आ रही है, गाते हैं फिर खांसते हैं, लेकिन फिर भी अंदर आनंद है। तो उस आनंद के कारण बाहर का ज्यादा प्रभाव नहीं, बाहर की स्थिति का प्रभाव ही नहीं अंदर जाता। तो बोले क्यों, क्योंकि अंदर जब आनंद मिलने लगता तो उससे बाहर सब गौर हो जाता है, छिपा हो जाता है, अन्यथा बाहर सब बड़ा बहुत वैसा होता है, बाहरी बाहर भटकने में सब बाहर का दिखावा रहता है बस, इतना हम सब के अंदर रहता है वही सब। तो धीरे 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 बोले चित्त में जब जगाता चैतन्य, जब चैतन्य जग जाए तो घटनाक्रम जैसे कहते नहीं, एक अवर्णनीय घटना घट जाती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिवर्चनीय है, जो बस बोले डूबो जलेबी ऐसे तो बोले काहे की है, बिल्कुल खारी अजीब सी है, उड़द की दाल की उसकी बनती है, लेकिन मीठी हो जाती है जब डूब जाती है। ऐसे ही मन मैं पना बड़ा खारा है, बहुत ऐसा है, बहुत अतृप्त करने वाला, अशांत करने वाला, कुछ देर का बस प्रलोभन है, थोड़ी सी देर का, लेकिन अंदर का जो सत्य है वो अंदर का जो है मिलता है उससे, जब चित्त जुड़ता है चैतन्य तो वो नशा लग, नशा ही नशे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है, वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और
ताकि जो फिलाए एक मार जिसे रहता है सदा खुमार से वैसे तो नशे अनेक जीवन में वही खुश रहता वचनों को अमल में जो लाता जीवन में वही खुश रहता है वचनों को अमल में जो लाता है गुरु भक्त वही कहलाता है जो कुछ काम कर दिखलाता है गुरु भक्त वही कहलाता है जो कुछ काम कर दिखलाता है जीते जी यहाँ तो मरना है अपनी खुदी को मिटाना है जीते जी यहाँ तो मरना है अपनी खुदी को मिटाना है वैसे तो नशे अनेक पर ये सा कुछ और है ताकि जो पिलाए एक मार जिसे रहता है सदा कुमार से वैसे तो नशे अने इस राह में आने जरूरत इस राह आने वालों अपनी जरूरत दुनिया की जिसको चाह नहीं राहों में उसके रुकावट नहीं दुनिया की जिसको चाह नहीं राहों में उसके रुकावट नहीं जीते जी यहाँ तो मरना अपनी खुदी को मिटा जीते जी यहाँ तो मरना अपनी खुदी को मिटाना वैसे तो नशे अनेक पर ये सा कुछ और ताकि जो पिलाए एक मार जिसे रहता है सदा कुमार से वैसे तो नशे अनेक सच में नशा बिल्कुल कभी ना उतरने वाला है हम लोग आए रहते थे गांव में गोपालपुर में तो संजय बहुत पीता था ना तो कितना वो जो है पीता था सुबह उतर जाती हम लोग को देखता था कि हम लोग रात दिन वहां पर कुछ करना ज्यादा काम नाम करना भजन करना यही था
भजन करते थे। अब उसमें हम लोग तो बहुत जो दूसरे पार्टनर्स थे वो काफी गलत भी बोलते थे और ताना भी देते थे, सामने सामने सब कुछ होता था, लेकिन हम लोग चिकने घड़े की तरह से भजन कर पीछे नहीं हटते थे, भजन ही करते थे, क्योंकि भजन की आदत डाल दी गुरु जी ने, वो भी अपने आप नहीं पड़ी, उन्होंने डाली। तो वो कहता था कि हम तो नशा करते हैं उतर जाता है, आप लोग तो किसी भी हाल में उतना सेड़ी, आप लोग ऐसे हो, आप लोग का नशा तो 24 घंटे रहता, उतरता ही नहीं, ऐसे दांत पीस पीस के कहता था, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कुछ नहीं कर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कई कई स्थिति ऐसी आ जाती थी जिसमें करना जरूरी होता, लेकिन मक्कर सादे भजन करते थे, आंख होती थी, करना भी होता था, लेकिन अभी भजन का समय है तो ढीठ बने करते थे, ताने भी सुनते रहते थे, सब कुछ होता था। तो उसी पे बोलता था, याद आ गई, भजन गाते गाते उसकी याद आ गई, कि वो कहता यार लोग जैसा नशेड़ी तो देखा ही नहीं, उतरता ही नहीं, कुछ भी होता रहे। तो ये भी बड़ी कृपा है कि हम लोगों को उस नशे का पान कराया। वो बाहर की किसी बात से नहीं था, बाहर गुरु जी के कुछ लेन देन से नहीं था, बाहर किसी चीज से नहीं था, लेकिन क्या था, वो उनका अंदर का जो सच्चा नशा था वो उन्होंने अपनी कृपा की दृष्टि से डाल डाल के कृपा दृष्टि हम लोगों को उसका आदि बना, ये भी उनकी कृपा, हम लोगों का कुछ नहीं, कुछ नहीं। दिलीप भैया है, उसने बड़ा अच्छा बोलता था, कुछ बोले अगर हो तो। एक अभी आपने गुरु के गुरु गुरु के ऊपर भजन गाया तो एक मन में विचार आया, तो मैंने सोचा मौका लगेगा तो बस बताएंगे, लेकिन आपने अभी आवाज दे दी। मैंने ये था कि एक कथा है, कथा में वो कहते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि गुरु के चरणों के पान से जो है वो हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उसपे उन्होंने एक सूत ऋषि से उन्होंने उसकी से भी बढ़ के व्याख्या करी, उसकी उन्होंने उससे बढ़ के व्याख्या ये करी कि गुरु के चरणों के ब्रज को अगर हम अपने माथे पे लगाएं और स्वीकार करें तो उससे जो है बुझी हुई किस्मत और जो है हमारी खिल जाती है, उठ जाती है, ऐसा वो कहते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये तो है ही है कि गुरु के से है, वो कहते हैं कि गुरु से भी जो गुरु के शिष्य हैं, अगर हमने उनकी सेवा करी और हमने उनके जो है उसपे जो है उतना ही आदर दिया, तो कहते हैं कि कितने ही तीर्थों पे आदमी जाए उससे भी बड़ा फल उसको मिलता है। ऐसे उसने जो है गुरु के तो गुरु के और गुरु के शिष्य के ऊपर के भी ऊपर जो है उन्होंने ऐसी बात कही कि उसकी आराधना जो है वो उतनी ही बढ़ के होती है उसमें। तो उन्होंने उसको लिखा कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में कई तीर्थ है, तो कहता है कि सात समुंदर पार हम जितने तीर्थों पे स्नान कर ले उसका जो फल मिलता है उससे कहीं ज्यादा उसके गुरु के चरणों के एक बूंद जल से उसके हजारवें हिस्से से उतना बड़ा फल गुरु के चरणों में मिलता है। अब हम लोग जैसे तीर्थ धर्म करते हैं, इसमें जाते हैं, तो हम लोग जो है तो अगर हम सात, वो कहता है सात समंदर पार कितने ही तीर्थों में जाए, किसी धर्म का नाम नहीं लिया कि हिंदू के, मुसलमान के, सिख के, ईसाई के, उसमें जाए ऐसा नाम नहीं लिया, किसने भी स्नान हम करें उसमें वो फल नहीं मिलेगा जितना गुरु के चरणों में मिलेगा। और तो और उन्होंने कहा कि जो गुरु का शिष्य है
अगर उसकी सेवा में भी अगर लगता है या उसके प्रति भी जो है वो ऐसा आदर रखता है तो गुरु उसको उतना ही प्रभावित करके उतने ही फलों से फलीभूत करता है। अब बताइए कहाँ गुरु और कहाँ गुरु का शिष्य है। लेकिन वो कहते हैं इतनी गुरु की जो है महानता है उसके अंदर। ऐसे आप अगर आप तीर्थ लें तो तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ कहते हैं कि जहां पर किसी मनुष्य ने तपस्या की हो उसे तीर्थ कहते हैं। अगर हम कभी इतिहास में जाएं और इतिहास में जाके हम ये कहें कि इलाहाबाद में, हरिद्वार में, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, मानसरोवर में ये सब तीर्थ है, तो ये सब तीर्थ नहीं है। ये सब तीर्थ नहीं, यहाँ तो कभी रामचंद्र जी गए नहीं। रामचंद्र जी जब वनवास गए तो इलाहाबाद से गुजरे। केदारनाथ बद्रीनाथ तो रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी गए नहीं, फिर वो तीर्थ क्यों कहलाए? वो अपनी बात को देखिए कैसे जो है उदाहरण के तौर पर प्रभावित करके बता रहे हैं कि तीर्थ किसे कहते हैं। जहां पे गुरु ने अपने शरीर को तपाया और उन्होंने वहां तपस्या करी उसको तीर्थ कहते हैं। वो कहते हैं रामचंद्र जी और श्री कृष्ण का तो लेना देना है नहीं। अब वो कहते हैं सात समुंदर पार तीर्थों का स्थान आदमी करे उस पे वो फल नहीं मिलेगा जो गुरु के चरणों में, जो गुरु के चरणों में जो रज है उसको माथे पे लगाने से मिलेगा। हम अगर अपने तीर्थ करने लगे तो कहानी कितने हजार तीर्थ तो हम लोग के हिंदुस्तान के अंदर ही है कि उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब उसके बाद अगर अगर आप देखें तो ईसाई है, ईसा मसीह जहाँ पैदा हुए तो क्या वो तीर्थ नहीं है? मोहम्मद साहब जहाँ पैदा हुए वहां ईर्ष नहीं है, तीर्थ नहीं है, तो वहां सब भी तीर्थ है। तो इतने तीर्थों की व्याख्या करने के बाद भी वो कहते हैं ना ऐसा नहीं है। जिसकी आस्था गुरु, गुरु का जो भजन अभी चला कि गुरु गुरु की में आस्था रहती है वही तीर्थ होता है। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है उसको, उसको कहीं पे आने जाने की नियम व्रत करने की जरूरत नहीं है। एक तरफ वो ये कहता है कि ये भागवत कहता है कि इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, गुरु के चरणों में ही अगर हम फिदा हो गए मर मिटे तो हम उसी के हो गए। गुरु के चरणों में तो चरणों और गुरु के चरणों के गुरु के जो भक्त हैं उनके चरणों में भी अगर हमने सत्कार किया, नमस्कार किया तो उससे भी हमको जो है उतना ही फल मिलता है जितना तीर्थों में नहाने से मिलता है, ऐसा वो कहते हैं। आप देखिए ये बात जो है हम अपने मन में देखिए तो हमारा मन जो है वो बड़ा ही जो है अपेक्षित रहता है इस बारे में, इसमें उसको जो है सोच पकार बनती नहीं है, वो हमेशा घूमता रहता है जगह 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 घूमता रहेगा, या वो फिर जगह जगह दूसरी जगह जा जाके दूसरी दूसरी बुराई को देखेगा, फिर उसको करने की कोशिश करेगा, उसमें मन लगाएगा, वो इस तरह से करता रहेगा, लेकिन वो गुरु के चरणों में अपना मन नहीं लगाएगा क्योंकि गुरु उसको इसकी महत्ता नहीं पता है। आप जब शंकर जी ने पार्वती जी को कथा बताई तो उन्होंने भी इस बात को महसूस किया, तो पार्वती जी ने पूछा उनसे कि ये बताइए आप भगवान हैं, अब आप हमको ज्ञान दे रहे हैं, आप सुबह सुबह उठ के किसको नमस्कार करते हैं, आप किसको नमस्कार करते हैं, आपके ऊपर कौन है जिसको आप नमस्कार कर रहे हैं? तो शंकर जी ने पार्वती से कहा, जो शंकर पार्वती संवाद है, शंकर जी ने उस बात को एग्री किया, एडमिट किया, कहेंगे मेरी पहचान बताने वाला जो है वो माध्यम गुरु ही है, गुरु के सहारे ही मैं अपने को प्रकट करता हूं, गुरु के सहारे ही मैं अपने को प्रकट करता हूं। तो देखिए शंकर भगवान ने भी पार्वती को डायरेक्टली इस बात से कहा। इसी को ही जो है रामचंद्र जी को वशिष्ठ महाराज जी ने कहा, इसी बात को जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। एक बार की कथा आती है कि शिरडी के साईं बाबा थे, तो शिरडी के साईं बाबा के पास जो है एक मराठा भक्त था, वो उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो उसने कहा कि मैं पर्दापुर में जो है विट्ठल के दर्शन करने में जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप जा रहा हूँ, थोड़े दिन के बाद आऊंगा, तो मैंने सोचा मैं आपको नमस्कार करता हुआ जाऊं। तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो, तो वो बैठे बैठा और थोड़ी देर के बाद बैठा, और उसके बाद जाने के लिए उसने हाथ जोड़ के
नमस्कार किया, अपनी आंखें बंद करी और उनके पांव को टच किया। जैसे ही उनके पांव को थोड़ी दूर पर टच किया, ये नहीं कि सूर्य से उनके शरीर को छुआ, थोड़े दो एक इंच की दूरी पर ही उन्होंने उनकी जमीन को टच किया, तो उसको उसी में विठल विठल भगवान के दर्शन हुए। तो वो थोड़ी देर आंख बंद करके उसने सर ऊपर किया ही नहीं। तो कहते हैं, कथा बताती है कहां तक सच है कि गलत है, कि साईं बाबा ने उससे कहा कि तुम उठो, तुम्हारा वक्त हो रहा है, जाने का टाइम हो रहा है। वो गया और 4-5 मीटर की दूरी पे जाके वही बैठ गया। फिर जहां और संगत बैठी हुई थी उन्हीं के साथ जाके बैठ गया। तो साईं बाबा अपने प्रवचन में या अपने किसी उसमें जो है मस्ती में मस्त हो गए, आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करी तो वो 2-3 घंटे जो है समाधि में जैसे चले गए। तो जब उन्होंने आंखें खोली 2-3 घंटे बाद, तो देखा पूरी संगत में से काफी लोग जा चुके हैं। ये जो मराठा जो भक्त था ये अभी भी बैठा हुआ था। तो उसे कहने लगे, तुम गए नहीं, तुमसे तो विदा हो गए थे, तुम्हें तो जाना था। कहने लगा, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे विठल भगवान के दर्शन आपके चरणों में हो गए। तो मुझे इतनी दूर जो है मेहनत मशक्कत करके और इतना करके जाने की क्या जरूरत है। देखिए, ये भगवान जो है, गुरु जो है, वो बताता है कि तीर्थ में व्रत नियम करने में, नियम धर्म करने में भी फल है, ऐसा नहीं बताता है। लेकिन असल का फल जो है वो कहाँ पे है, उसके लिए भगवान शिव जो है वो पार्वती से कहते हैं कि गुरु ही माध्यम है, जो मेरे ब्रह्म के ज्ञान को वहां तक पहुंचाता है वो गुरु ही है। तो वो कहते हैं कि गुरु तो गुरु, और गुरु का शिष्य भी, उसकी भी अगर कोई सेवा करता है या उसके बारे में भी जो है अच्छा सोचता है या उसके बारे में धन से तन से मन से अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसको उतना ही फल गुरु जो है देते, वो ऐसा उन्होंने ये कथा में कहा। अभी कोई तन से कर सकता है तो ठीक है, कोई धन से कर सकता है तो ठीक है। अगर ये तन से और धन से नहीं कर पाते हैं तो मन से तो कर ही सकता है। मैं एक बार एक के यहाँ मिलने गया था, तो उन्होंने उनके यहाँ मैं गया तो उनके यहाँ उन्होंने हमको जो है चाय वाय पिलाई, फिर उन्होंने कहा हाथ धोना हो तो धो लीजिए। तो मैंने कहा मैं अच्छा धो लेता हूँ हाथ। तो मैं वॉश बेसिन के पास गया हाथ धोने के लिए, तो हाथ धोए जैसे मैंने, तो उनके बेटे ने मुझको तौलिया लाके दिया कि अंकल इससे हाथ पोछ लीजिए। तो मैंने जैसे ही हाथ तौलिया लिया और पोछने लगा तो मेरी नजर जो है शीशे के ऊपर गई। उस पे जो है 2 लाइन लिखी हुई थी, ग्रस में गए तो संन्यास में नहीं गए। उन्होंने उसमें लिखा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू आप रो तो मुझसे बुरा न कोई। मैंने एक बार पढ़ा उसको, फिर दोबारा उसको पढ़ा, सबने कहा ये तो दुआ है, वो तो मुझे भी आता है। तो हाथ हाथ पूछ के रखा, मैंने कहा भाई साहब बात बताओ, ये आपने शीशे के ऊपर जो है ये ऊपर ये तख्ती कैसी लगा रखी, किस बच्चे ने लगाई है। तो बोले लगे मैंने लगाई है ये, तो आपको अच्छी नहीं लगी। नहीं, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन जो है लोग अपने ड्राइंग रूम में, बाथरूम में, बेडरूम में तरह तरह की सीनरी ये सब लगाते हैं, तो आपने दोहा लगाया है। कहने लगे ये मेरे गुरु के द्वारा दिया हुआ दोहा है, जो उन्होंने प्रसाद में मुझको दिया था, तो मैंने इस दोहे को जो है प्रिंट कराकर और अच्छे से फ्रेम करा के मैंने शीशे के ऊपर लगा दिया। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए सुनिएगा, मैंने कहा मैं शीशे के ऊपर आपने क्यों लगाया, आप जहाँ गुरु की मूर्ति रखी है या आपका जो बेडरूम है वहां लगाते, शीशे के ऊपर जहाँ सुबह ब्रश करते हैं और सुबह मुंह धोते हैं और फिर जो है कुल्ला करते हैं, नाक साफ करते हैं, हाथ धोते हैं वॉश बेसिन पर, तो वहां तो अच्छी जगह नहीं है, वहां भी लगाया। वो बोले कि वो ही अच्छी जगह है। वो बार बार हमको ये बात बताती है कि शीशा ही हमको बताता है, बुरा जो देखन मैं चला, मिला ना बुरा कोई, जो दिल खोजू आपनो,
तो मुझसे बुरा ना कोई। कहले ये गुरु का ये वाक्य, मैं शीशे में अपनी शक्ल देखकर ये अपने को याद दिलाता हूं कि मुझसे मेरे मन से बुरा कोई है नहीं। तो मैंने कहा फिर इससे क्या होता है? तो कहने लगे कि इससे ये होता है कि मेरा सारा दिन बिना राग द्वेष के निकल जाता है, क्योंकि सुबह उठते ही जब मैं मुंह धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, तो शीशे पर नजर जाती है, नजर के ऊपर जो दुआ लिखा है तो उसमें भी हैबिट पड़ गई है, नजर जाती है। तो मैं सारा दिन सोचता हूँ कि इस दुनिया में, इस घर में, इस मोहल्ले में, मेरे ऑफिस में, मेरे कार्य स्थल पर मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो कहने लगे अहंकार की चोट जो है, मैं सबसे पहले गुरु के ही वाक्य से अपने मन में मारता हूं। अब हम देखते हैं कि हम जो है कभी बैठे रहते हैं, या कभी गुरु की वाणी सुनते रहते हैं, या कभी सत्संग बैठे रहते हैं, तब भी हमारे मन में दूसरे के प्रति जो है, या किसी के प्रति जो है, वो दुर्भावना आ जाती है या राग द्वेष पैदा हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि जब हम गुरु के चरणों में मन को लगाते हैं तो ज्ञान तो बहुत दूर की दूर चीज है, तो ये प्रभावित जो है गुरु के चरण या गुरु के वचन हमको करते हैं। अब इन वचनों को और इनको हम जो है अपने उसमें लगाएं, तो कहते हैं कि तब वो कहते हैं कि भक्त को या जिज्ञासु को, सॉरी अपने भक्त कह दिया, जिज्ञासु को भक्त की भी सेवा में या भक्त को भी उतना ही आदर सत्कार देके जो है बात करनी चाहिए, अपना कर्म नहीं बनाना चाहिए। मैं एक बार की आपको बात बताता हूं कि गुरु ग्रंथ, आज गुरु पर्व भी है, तो गुरु ग्रंथ साहब में 10 गुरु हुए, तो 10 गुरु में कहते हैं कि उनमें प्रथा थी कि जब एक गुरु था अपने रहते ही, वो जो है उसमें से 6 गुरु ऐसे थे, उन्होंने दूसरे को मनोनीत कर दिया अपने रहते हुए ही कि अब तुम कार्य संभालो। ये सिख धर्म की प्रथा थी उनकी, तो इसमें तो हम लोग को गहराई में जाना नहीं है। तो हमने ये देखा, एक कथा पढ़ी थी कि जब गुरु अमरदास का शरीर चला गया, अमरदास 4th या 5th गुरु थे, मुझे नंबर तो नहीं है, उनके बाद गुरु रामदास को उन्होंने मनोनीत किया, और गुरु रामदास को मनोनीत किया कि ये जो है मेरी जगह पे काम देखेगा, और पंथ को आगे गुरु नानक के पंथ को उन्होंने गुरु नानक के पंथ को कहा। गुरु नानक शब्द पे मैं आपको एक अच्छी बात आज गुरु पर्व में बताऊंगा कि गुरु नानक टाइम हो रहा है क्या, टाइम होता है क्या, थोड़ी देर में बताइए। मैं जल्दी बता देता हूँ आपको। तो क्या गया, तो गुरु अमरदास ने जो है गुरु रामदास को दे दी। तो एक बार क्या हुआ कि गुरु नानक के यहाँ से या गुरु कहीं से भी जो है सिखों का जत्था आया, वो रात में जो है वो ऊंट ऊंट पे चल के आए और गए आए, और वो गुरु जो है वो अमरदास के शिष्य जो रामदास थे उसके पास आए। तो वहां पे क्या हुआ, रात के 2 बजे थे, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। एक सिख आया, उसने उनकी सेवा की, मैं जल्दी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, उसने उनकी साथ की, उन्होंने कहा कि हमारे जो हम करेंगे इधर लंगर का रास्ता है, आप यहाँ पे जो प्रसाद ग्रहण करिए। कहले हमारे ऊंट ऊंट प्यासे हैं, तो कहले नहीं मैं ऊंट को भी मैं आके सेवा कर देता हूँ, उनको पानी चारा दे देता हूँ, ऐसे करके, क्योंकि उनको प्रसाद खा के जल्दी सोना था। सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही गुरु जी जो है, गुरु जो अमरदास के शिष्य रामदास थे उनको बैठना था, तो कर लेंगे उनके दर्शन होंगे। अब सवाल लगे, सुबह नहा धो के दरबार में आ गया, तो गुरु रामदास आके जो है गद्दी पे बैठे। जब गद्दी पे बैठे तो जितने वो 40-50 का सिख लोगों का जत्था था, वो सब एक दूसरे की शक्ल देखे, वो कहे कि रात में जो आदमी था जिसने हम लोग को रहने का इंतजाम किया, हमारे ऊंटों की सेवा करी, हम लोग को जो है लंगर में जाके खाने का इशारा किया, वो यही आदमी तो नहीं था। तो अब वो खुशहाल होने लगी, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो रामदास जी से पूछे कि महाराज आप ही तो नहीं थे रात में जो हम लोगों को मिले थे।
तो उन्होंने उनके शिष्य से कहा कि ये गुरु जी के जो सुबह रात में सेवा में थे, सेवाधारी कौन थे? तो उसने कहा कोई भी सेवा कर देता है, उसमें कोई नाम तो लिखा रहता नहीं है, किसी की ड्यूटी होती नहीं है। कह लगे हम लोग को तो लगता है गुरु जी खुद ही थे। तो उन्होंने, उनके शिष्य ने गुरु रामदास जी से कहा कि ये जो है सिख संगत ये आपसे पूछना चाह रही है कि रात में जो इनके इतनी आपने फैसिलिटीज दी, इतनी जो सुविधा दी और इनको भोजन कराया, इनके ऊंटों की भी सेवा करी, इनका सामान ठीक से रखा, तो ये कहते कि आप ही तो नहीं थे? तो गुरु रामदास ने कहा तो इसमें कौन सी नई बात है, ये मेरे से तुम लोग पूछ लो, अभी पूछ लेते, हाँ मैं ही था। तो कहने अरे हम लोग से बड़ा पाप हो गया, हम लोग ने आपसे इतनी सेवा कराई, आपने इतना सामान ढो ढो के कमरों में रखा, फिर ऊंटों को बांधा, हम लोग खाना खिलाया, हम लोग से तो पाप हो गया, आते ही पाप हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए आप गुरु की महिमा को बता रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं तो पहले भी गुरु के दर का दास था, सेवक था, और आज भी मैं गुरु के दर का सेवक हूँ, दास हूँ। आप देखिए कभी भी कोई पंक्ति आती है, गुरु नानक, कभी कोई ये नहीं कहता कि गुरु गोविंद सिंह कहता है, गुरु गोविंद सिंह का कहना ये है, गुरु रामदास का कहना ये है, गुरु अमरदास का कहना ये है, ऐसा नहीं कहते, सब गुरु नानक तो कहते हैं, गुरु नानक कह, गुरु नानक कह, गुरु नानक, वो गुरु को ही आगे रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं अब उसमें देखिए 10 गुरु हुए, पहले गुरु नानक हुआ, उसका नीचे नीचे आए, लेकिन नीचे के जितने से सब गुरु नानक ही कहते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि क्या कहते हैं कि हम कह रहे हैं, हमने, क्योंकि 10 गुरुओं में से 6 गुरुओं ने वचन कहे हैं ग्रंथ साहब के अंदर, ऐसा नहीं कि गुरु नानक जी ने ही जो है सब लिख दिया, ग्रंथ साहब लिख दिया, रहरा साहब लिखा, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा, सुखमनी साहब लिखा, सबने अपना अपना लिखा, लेकिन कहे गुरु नानक, कहे गुरु नानक की रट लगा दी उन्होंने। वो तो उस समय जबकि गुरु नानक ने, गुरु नानक के बाद उन्होंने उनको मनोनीत किया। देखिए आप अहम की भावना को कितना लोगों नीचे गिराया, अभी हम क्या करते कि हम जो है जरा सी बात कुछ होती है तो उसको जो है दिल में रखे रहेंगे, और उसको दिल में रखे रहेंगे और बार बार उसको दोहराते रहेंगे, करते रहेंगे, जबकि उससे आगे पीछे का कुछ नहीं जानते। मैंने कहा ना, मैं एक बार एक फ्लैट खरीदने के लिए गया, मैंने बात करी, खाली मैंने उससे पूछा यही कि भाई यहाँ पे रहने वहने वाले ठीक है? अरे वो जो है वो तो ऐसा उसने बुराई करना शुरू कर दिया, चौधरी की और रस्तोगी की और चतुर्वेदी की। हमने कहा क्या लेना देना है इससे मेरे को, लेकिन क्या है, मौका मिलना चाहिए हमको, अपने हमारे जो द्वेष है या हमारे जो विकार है उनको मौका मिलना चाहिए कि खिड़की खुले और बाहर जाए। ये ऐसे ऐसे तो गुरु के पर्व पर तो कहते हैं कि गुरु का पर्व आज है, किसी के गुरु का भी पर्व हो, गुरु तो गुरु ही है, गुरु शब्द में कोई भेदभाव नहीं है, गुरु तो वही है, वाणी भी एक ही है। हमारे गुरु ने भी कहा, देखिए हमारे गुरु ने सस्ते में अच्छे से सुविधा से हमारी सहूलियत देखते हुए हमें ज्ञान सुनाया, इसीलिए हमको महत्व नहीं है उसका, इसलिए हमको महत्व नहीं है, इसलिए हम फलीभूत नहीं होते हैं। अभी वही तपोवन में भेजते 100 गायों, कहते 1000 गाय करके लाओ तो फिर पता लग जाता। तो इसीलिए गुरु कहता है, पुराण भी कहते हैं, भागवत भी कहते हैं, गुरु तो गुरु, गुरु के शिष्य, मतलब वहां पे भी कहते हैं एक तिनका भी अगर आंख में पड़ जाए तो वो बहुत कष्ट देता है। तो ऐसे ऐसे मही मही कर्म जो है हम दिन भर में उससे बच जाते हैं। तो गुरु के चरणों में बराबर से मन को लगा के रखना चाहिए, और ये बुराई की तरफ जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो बुरा है तो वो मनचंदा जी ही है, ऐसा अगर ध्यान रखेंगे जो इस तभी ठीक रहेगा, जो दिन खोजू आप लोग तो मुझसे बुरा ना कोई, तब मन शांत रहेगा, तब जो है गुरु की कृपा अंदर आने लगेगी। दरवाजे में कूड़ा पड़ा हुआ है तो कैसे मेहमान अंदर आएगा? कोई मेहमान आने लगता है तो दरवाजा साफ कर, दरवाजा साफ कराओ, चूटा छिड़ को नाली साफ कराओ, लोग आ रहे हैं, इतना करते हैं तो फिर मन के घर को खोलने के, दरवाजे को खोलने के लिए थोड़ा साफ करना पड़ेगा ना, फिर वो कैसे अंदर आएगा? उसकी कृपा बरस रही है तो कैसे होगा? जय गुरु।
जय सतगुरु जी।